So with these words, I thank the organizer for giving me this opportunity to address you and to share my views about the education with you. Thank you all. Professor Dinesh Singh, Chairperson, Higher Education Council, NPFDT. इसके मौजूद मिस्टर कुमार जनाब रविंद्रनाथ जी प्रोफेसर प्रोफेसर मनीषा प्रोफेसर यास्ती सीमा और भी मौजूद आरोपी हजार का नाम संख्या इस पर बात करता हूँ। ऐसे मौके पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जितने लोगों ने अभी मेरे पहले यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, अब मेरे लिए कुछ खास कहने को रहा नहीं। वैसे भी जो शादीशुदा मर्द होता है, शादी के बाद उसको एहसास हो जाता है कि उसमें कितनी दानिशमंदी है, कितनी हिम्मत है और उसका एहसास उसको रोज दिलाया भी करता है। तो शायद मैं कम बोलूं तो बुरा नहीं होगा और विनोद राय जी और रविंद्रनाथ जी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि वैसे भी हम लोगों की बोलने की आदत भी धीरे धीरे छूटी जाती है। लेकिन सीमा जी ने मुझे बाइज्जत यहाँ पर बुलाया है, अजीब होगा कि मैं कुछ तो बात रखूं समझे। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में I would like the audience here, particularly the young. I understand we have this situation of indoor education campaign. We have got here. Have you thought about this? अपने अंदर टटोल कर, उरेद कर, अपने रूह से पूछिए कि education किसको कहते हैं? आपके जहन में ये बात पैदा होने लगी शायद कुछ और है जो एजुकेशन। मैं सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ पीपल मेनी ऑफ देम वुड बी नॉट दैट इंस्पायर्ड मी दैट गिव आई वांट टू आस्क यू कि उनके पास क्या था जिसको हम अब अपने इंस्टीट्यूशंस पर बात के कहते हैं कि ये डिग्री लो इसके हो जाओ है बुरा उन चीजों से जिस वजह से उनको हम मानते हैं। मैं कबीर को बहुत मानता हूं, जितना मैंने समझा है वो ज्यादा नहीं है लेकिन प्रतीकता को समझ में आता है। कबीर के ऊपर मेरा ख्याल है कि दुनिया हजारों के लिए सुनी and I have read scholarly works of Kabir by some of the religious scholars. Almost all of them say that Kabir was illiterate. Just look at the contrast. Here is a man whose life, amongst other things, allows so many of us in institutions of education to gain our livelihood by taking doctorates on his life, his work, his teachings, his philosophy. And this man is supposedly illiterate. In any case, Kabir did not go to any school, any university, any congress. भगवान बुद्ध कहां गए थे, किस यूनिवर्सिटी ने उनको दानिशमंद बनाया, हजरत पैगंबर पीस बी अपॉन हिम मुझे बताइए कि किस यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री दी। आप जिसको भी उठा के देखिए और जिन्होंने हासिल किया उस डिग्री के बाद उससे पूछिए कि डिग्री से क्या वास्ता था जो आपने जिंदगी में हासिल किया। हालत खराब होगी, आइंस्टाइन को कहीं नौकरी ही नहीं मिली। मैंने उनके सारे खत पढ़े, उनके वालिद साहब के खत भी पढ़े, गुजारिश कर रहे हैं, मन्नत मान रहे हमें कहीं बिठा लो, कुछ दे दो। उनके जब वो हार गए तो उनके फादर ने लिखना शुरू किया, नोबेल लॉरेट्स को लिखा, औरों को लिखा, मैंने वो खत पढ़े। ही राइट्स
आई बेग ऑफ यू गिव माई सन अ चांस. किसी ने कुछ नहीं दिया. अंत में क्या हुआ? When Einstein was completely without hope, he gets a job as a patent clerk, third class, at the patent office in Bern. Patent clerk, third class. Nothing to do with his knowledge of physics, almost nothing. Minimal.